हरिओम श्री राम अम्बंदर। मैं बिलास शरद गोस्वामी, बदलापुर उपासना केंद्र। मैं जो अनुभव आज शेयर करने जा रहा हूं वो 1999 का है। उस समय हम लुईस वाड़ी थाने में रहा करते थे और उस टाइम जुई नगर सीट जो गुरुकुल है बापूजी का, वहां पर हम जाया करते थे। एक दिन मैंने प्रण किया बापू को कुछ अर्पण करना है, इसलिए हम 16 शुक्रवार का मैंने प्रण किया। मैं और मेरे चाचा अक्सर जाया करते थे शुक्रवार और संडे को। तो 16 शुक्रवार जब मैंने स्टार्ट किया, कुछ शुक्रवार जाने के बाद कुछ एक दिन ऐसी एक घटना हुई हमारे साथ जो हमारे रोंगटे खड़ी कर दी थी। लेकिन बापू हमारे हमेशा साथ रहते हैं। हम लोग 7 बजे करीबन घर से निकले, मैं और मेरे चाचा टू व्हीलर पे। हम लोग जैसे ही एरोली क्रॉस किए, बिटावा आया। बिटावा के बाद रोड खाली रहती है सुबह सुबह। उस समय में हमारी गाड़ी करीबन 80-90 के स्पीड में चल रही थी। एक भयानक आवाज गाड़ी से निकली जो सुन के हम लोग थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गए कि कहां से आई आवाज। गाड़ी इतनी टर्बुलेंस थी कि हम गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मैं और मेरे चाचा दोनों हम गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। हमने बापू को जोर से आवाज दिया, बापू आप कुछ कीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे, गाड़ी धीरे धीरे कैसे वो रास्ते के किनारे आई ये हमको समझ में नहीं आया था। और जैसे ही हमारी गाड़ी किनारे लगी, हमारे पीछे जितनी भी गाड़ियां थी, एसटी थी, उसके पीछे 3-4 गाड़ियां थी, काफी तेज गति से वो लोग पास हो गए और हमें कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ी की टायर ब्लास्ट हो चुकी थी, गाड़ी की ट्यूब टायर रिम से अलग हो चुकी थी, गाड़ी का चेन स्प्रोकेट पूरा टूट गया था, गाड़ी का ब्रेक टूट गया था। और हम लोग एकदम चिंतित हो गए थे कि अब गाड़ी तो गई नाना बोल के 10,000-15,000 के आसपास इसमें खर्चे आएंगे ही आएंगे। और अब हम इसको गाड़ी को यहीं कहीं रख के हमें अभी घर वापस जाना होगा। लेकिन बापू इज एवरीवेयर। हमें आपको यकीन नहीं होगा, हमारी गाड़ी जहां पर खराब हुई 7:30 बजे करीबन, वहां पर वो गैरेज वाले का खुला रहना ये एक वरदान था और ये बहुत आश्चर्यजनक घटना हुई थी। लेकिन हम सोच रहे थे कि अब कितना खर्चा होगा हमें पता नहीं, क्योंकि कुल मिला के हमारे पास 1,000 के ऊपर रुपए नहीं थे। तो हम गैरेज वालों को अप्रोच किए, गैरेज वाले के पास गए, उनको गाड़ी दी। वो गाड़ी को देखने के बाद तो वो बोल रहा था कि आप लोगों को कुछ भी नहीं हुआ और आप लोग बच कैसे गए इतने बड़े एक्सीडेंट से। वो खुद आश्चर्यचकित था। फिर हमने उसको स्टोरी ब्रीफ में बताई। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप चाय नाश्ता कीजिए, तब तक मैं गाड़ी को देखता हूँ। उसने सब काम छोड़ के उसने हमारी गाड़ी को देखा, उसने मरम्मत का काम शुरू किया। और इतनी बड़ी गाड़ी की दुर्दशा होने के बावजूद उसने विद इन 45 मिनट्स गाड़ी को ओके करके दिया। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, जब हमने उसको उसके चार्जेस पूछे तो हम लोग, और उसने जो बोला चार्जेस के बारे में वो सुन के हम स्तब्ध रह गए हैं। उसने 650 रुपए उसके चार्जेस बोले, सारे गाड़ी को टायर ट्यूब चेन स्प्रोकेट चेन ब्रेक वेल्डिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग 650। एंड हमने जब चौक गए 3 बार उससे कंफर्म किया कि सही में 650, तो उन्होंने फिर 50 रुपीज उसमें से कम भी किया। एंड हम फाइनली 700 रुपीज उनको पे किए और आए और हम घर जाने की प्रण किए थे। लेकिन गाड़ी ठीक होने के बाद और वापस हम जुई नगर गए और बापू की पूजा करके उनकी आशीर्वाद ली। दुर्घटनाएं समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन बापू हमेशा हमारे साथ रहते हैं, यह हमें यकीन होना चाहिए। हम क्षण क्षण बापू हमारे साथ हैं। वी लव यू बापू। हरिओम श्री राम अम्बंदर।